हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरे किचन में बन रहा है यखनी पुलाव। यखनी के लिए ये 1.5 से 2 किलो बीफ है। इसमें मैंने कुछ लहसुन, कुछ अदरक के इस तरह से इसको टुकड़े कर लिए हैं। एक मीडियम साइज़ का अनियन डाल दिया है कट करके, और ये देख रहे हैं इतना जग। आपने 7 कप्स इसमें वाटर ऐड करेंगे। मे बी इसमें और जाए, बिकॉज हमने यखनी बनानी है तो उसके लिए मैक्सिमम इतना होना ज़रूरी है। उसके लिए हम 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च जी। यहाँ पे हमारे पास दालचीनी, मोटी इलायची है, लौंग है, काली मिर्चें हैं और साबुत धनिया है। ये देखिए, हम ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भरकर सॉल्ट। मिक्स कर देंगे और इसको हम रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। देखिए ऊपर जो झाग है ये आपने इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इस पॉइंट पे, ये देखिए बबल्स बन रहे हैं, आपने दम पे रख देना है इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो उसमें आपने इसको 1 घंटा कम अज कम रखना है, फिर आपकी बहुत अच्छी यखनी तैयार हो जाएगी। ये मैंने 3 से 4 मीडियम प्याज लिए हैं। अगर बड़े हैं तो आप 3 डालेंगे, अगर छोटे हैं तो आप 4 डालेंगे। उसके बाद टमाटर हैं, मैंने 6 से 7 लिए हैं। अगर ये काफ़ी बड़े हैं तो आप 4 लेंगे, अगर छोटे हैं तो आप 6 से 7 लेंगे। इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट है 2 टेबल स्पून भरकर डाला है, नमक मिर्च और मसाला है, गरम मसाला डाला है 1 टेबल स्पून, नमक डाला है 2 टेबल स्पून भरकर। ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, जैसे आप खाना पसंद करेंगे। और ये जो रेड चिली पाउडर है ये भी मैंने 2.5 टेबल स्पून डाला है भरकर। ये है जी जीरा, काली मिर्च, साबुत मसाले हैं, इसमें क्लोव्स ऐड किए हैं। जी तो सबसे पहले हमने इसमें अनियन ऐड किए हैं, उसमें साथ ही हमने 1/2 कप ऑयल का ऐड कर दिया। ऑयल हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बीफ पुलाव है तो उसमें भी ऑयल काफ़ी होता है। बीफ में जब हमने उसका स्टॉक तैयार किया है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल होता है। जब वो लाइट ब्राउन हो गए प्याज तो हमने उसमें साबुत मसाले डाल दिए, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया। अब हम उसको भी अच्छे से खुशबू जब तक आ जाए भुनेंगे। सबस मिर्चें मेरे पास पीसी हुई पड़ी थी, जब मेरे पास एक्स्ट्रा हो तो मैं उनको पीस के अपने पास फ्रीज कर लेती हूँ, लाइफ आसान हो जाती है। तो बस मैंने जल्दी से इसमें 4 टेबल स्पून जो है सबस मिर्चों के ऐड की, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद जो मेरे पास नमक मिर्च और गरम मसाला था उसको ऐड कर लिया। फिर मैंने यखनी में से बीफ को निकाला, उसको सेपरेट किया तो उसमें मैंने मसाले में ऐड कर दिया। अब यहाँ पे पॉइंट ये कि नहीं समझना कि ये पका हुआ बीफ तो हमने बस इसको 2 मिनट डाल के भून लिया और चलो जी पानी डाल दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसको हम 10 मिनट्स देंगे ताकि मसाले जो हैं अच्छी तरह से बीफ के अंदर मिक्स हो जाएं। उसको मैंने 10 मिनट के लिए पकाया, स्टॉक को मैंने अलहदा रख दिया, इसको मैंने अच्छे से छान लिया। फिर मैंने इसमें यखनी ऐड कर दी, फिर मैंने इसमें राइस ऐड कर दिए। बॉइलिंग पॉइंट पर जब ये आ गया तो ये आपके सामने है। मैंने फिर इसमें जब राइस ऐड किए तो इस पॉइंट पे आपने 15 मिनट्स के लिए दम पे दे देना है। माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने थे, बहुत 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 अच्छे बने थे। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।